तरफ। कल भी हम लोग इस्लामाबाद थे, हम लोगों ने सोचा था कि हम कल अर्शद शरीफ के जनाजे से वापस लाहौर रह जाएंगे, लेकिन फिर अब जनाजे पर गए तो वापस आते वक्त मेरी तबीयत खराब हो गई, हम वापस घर आ गए। और आज हम फिर अब घर से कल ट्रैवलिंग की, आज फिर अब ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं, लेकिन मुझे बुखार भी है, लेकिन नो पेन देन नो गेंस, तो इसलिए हम लोगों को ट्रैवलिंग करनी है। और क्योंकि आज़ादी है, बच्चों को भी निकलना चाहिए, क्योंकि हमें आज़ादी कोई थाली में रख के नहीं देगा, तो इसलिए हम निकल रहे हैं। एंड होपफुली जो सारे लोग हैं जो आ सकते हैं वो भी आएंगे। जो बड़े थे उन्होंने बहुत देर कर दी, और अगर अब बच्चे नहीं निकलेंगे तो आगे जो भी डैमेजेस होंगे वो हम बच्चों को ही, हम आगे वाली जनरेशन है, और हमारे मुल्क में जो डैमेजेस अभी होंगे बड़ों ने चले जाने और हमें वक्त नहीं पड़ेंगे, हमें उन डैमेजेस का आगे सामना करना पड़ेगा। तो अभी मैं कहती हूँ कि बड़ों से ज्यादा बच्चों को निकलना चाहिए, क्योंकि जो सब कुछ है ये उनके फ्यूचर के लिए है। और अभी हम लोग लाहौर की तरफ देख जाते हैं, देखते हैं जो अंकल इमरान है वो क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं। हम लोग तो पूरी कोशिश के साथ जल्दी जल्दी गए हैं कि हम लोग पूरी से सबसे आगे फ्रंट लाइन में हूँ, और अंकल इमरान की कंटेनर के इर्द गिर्द हूँ, वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी लाहौर की तरफ चलते हैं, एंड होपफुली जो आ सकते हैं वो भी आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।